मुझे तो खरीदनी है और बिंदिया। सोच रही हूँ मैं चली जाती हूँ शॉपिंग। नहीं, पांड्या स्टोर नहीं, वहां तो हम करते हैं एंटरटेनमेंट की शॉपिंग, क्योंकि यहाँ तो रोज कहानी में आता है एक नया ड्रामा। कभी रिश्ते सुलझ जाते हैं तो कभी उलझ जाते हैं। तो क्या कुछ हो रहा है आज, यहाँ लेकर चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर के घर वालों के पास। पांड्या परिवार का सेलिब्रेशन। सुमन को मिला सरप्राइज़ पर सरप्राइज। माँ के लिए बच्चों का तोहफा। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में आज बहू और बेटों ने मिलकर दिया है अपनी माँ सुमन को उसके बर्थडे पर बेहतरीन सरप्राइज। पूरे घर को सजाकर, मोहल्ले वालों को बुलाकर, नाच गाकर अपनी माँ के 60 साल होने की खुशी में क्या गौतम क्या धरा, क्या देव क्या ऋषिता, क्या शिवा क्या रावी और क्या कृष, सभी मिलकर सुमन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सरप्राइज देखकर सुमन तो बहुत खुश हुई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कांता ताई ने ये बताया कि सुमन अपने लिए ओल्ड एज होम की जानकारी ले रही है। बस फिर क्या, सभी को लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए कान पकड़कर सभी ने माफी मांगी। सुमन ने भी सभी को सॉरी बोलते हुए उन्हें गले से लगा लिया। और पूरे परिवार के साथ मिलकर जन्मदिन का केक काटा, साथ ही उन पलों को कैमरे में कैद भी किया। फिर बारी आई तोहफों की, जो एक एक कर सभी ने दिए और वो तोहफे पाकर सुमन बेहद खुश हुई। जो हम खुद डेकोरेट करते हैं वो हमने कर दिया, इतना बड़ा जो होता है हमेशा, और केक लेकर आ गए, और डांसर नई चीज है तो डांसर लेकर आए। हाँ, तो बेसिकली माँ को हमने सरप्राइज दिया, और माँ को ऐसे सुबह सुबह हमने सबने ड्रामा किया कि हमको याद नहीं है, और माँ बेचारी बहुत दुखी हो गई, जाकर मंदिर में रो रही थी और बोल रही थी मैं वृद्धाश्रम जाऊंगी कांता काकी के साथ। और फिर फाइनली जब वो घर पे आई, उन्हें मिला सरप्राइज। भाई, ये सरप्राइज तो सुमन को बहुत अच्छा लगा है। वैसे असली सरप्राइज तो बहुत जल्द श्वेता देगी, क्योंकि वो तो मौके का फायदा उठाकर धरा को इमोशनली उस बच्चे से अटैच करने की पूरी फिराक में है। लेकिन ऋषिता की नजर उस पर टिकी हुई है। जैसे ही श्वेता बच्चे से छुटकारा पाने की प्लानिंग करती है, ऋषिता सही समय पर पहुंच जाती है और उसकी प्लानिंग पर पानी फेर देती है। क्या चल रहा है श्वेता का प्लान बताओ। बेसिकली वो चिकू को छोड़ के ज़्यादा चाहती है हमारे पास। उसको लगता है कि धरा ज़्यादा बेटर माँ है, चिकू धरा के पास ज़्यादा खुश रहेगा, और वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती है, फुल ऐश करना चाहती है, दुबई जाना चाहती है, हाँ पार्टी करना चाहती है, जो कि उसे मिल नहीं रहा है चिकू की वजह से करने के लिए। और उसके पेरेंट्स ने उसको बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि चिकू को तो तुझे ही संभालना पड़ेगा, अगर तू चिकू को संभालेगी तभी हम तुझे पैसा देंगे। ऋषिता तो श्वेता की दाल गले नहीं देगी, लेकिन उसे क्या पता कि श्वेता खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रही है, वो भी कृष को अपने प्यार में फंसा कर। आइए इस बार बलि का बकरा बनेगा। कृष के मन में इलू इलू हो रहा है। नहीं नहीं, मोहरा नहीं है ये, मोहरी तो मैं थी, ये तो अभी उनको पता नहीं है श्वेता का। नहीं, ये दूसरा मोहरा। इलू इलू नहीं नहीं, बात इलू इलू तो चल रहा है, पर अभी तक दोनों के मन में नहीं है। हाँ, दोनों के मन में नहीं है। नहीं बट हो सकता है, पर ये बलि का बकरा बनेगा। वो तो एक्सपेक्टेड है। अब देखना होगा कि इसके बाद इस घर में और क्या नया ड्रामा आने की तैयारी करेगा। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।